हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोगों को अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलना पड़ता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है मेरे एक व्यूवर के द्वारा पूछा गया था, सर ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैच हार जाऊँगा और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा हम पकड़े जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे नौकरी से निकाल देगा और क्या कर सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, ये पार्ट वन है। इसका पार्ट टू भी आएगा, ठीक है। तो कल मैं इसका पार्ट टू अपलोड करूँगा, तो उसको भी ज़रूर देखिए ताकि उसका भी मीनिंग आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा, इस फ्रेज के लिए इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एट मोस्ट। एट मोस्ट, आप एट मोस्ट को सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में और सेंटेंसेस के एंडिंग में कहीं भी लगा सकते हैं, बस एंड में लगाइएगा तो और बेटर होगा। तो इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। बिकॉज मेरा गला ख़राब है, मुझे सोर थ्रोट हुआ है, तो आवाज़ जो है उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। तो आज का पहला सेंटेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैच हार जाऊँगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट मोस्ट आई विल लूज द मैच। एट मोस्ट आई विल लूज द मैच, या नहीं तो कह सकते हैं आई विल लूज द मैच एट मोस्ट, आई लूज द मैच एट द मोस्ट। आई विल को मिलाएंगे तो आई बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़्यादा से ज़्यादा हम पकड़े जाएंगे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे विल बी कॉट एट मोस्ट। विल बी कॉट एट मोस्ट या एट मोस्ट विल बी कॉट, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसीलिए इसको इस तरीके से बनाया गया। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट मोस्ट ही विल फायर मी फ्रॉम जॉब। एट मोस्ट ही विल फायर मी फ्रॉम जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़्यादा से ज़्यादा वह सबको सच बता देगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही विल स्पीक द ट्रूथ टू एवरी वन एट मोस्ट या एट मोस्ट ही विल टेल द ट्रूथ एवरी वन। अगर वर्ब स्पीक का यूज कीजिएगा तो टू एवरी वन आएगा, नहीं तो टेल के साथ कोई टू नहीं आएगा। गाइज, इसी से जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। दोस्तों लोग कैसी लगे थे, अच्छी लगे थे, लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।